वो रणबीर पद्मावत को देख लेता बाद में, और पद्मावत और उसकी सखी सहेलिया जो थी वो नाई धोई और झूल झाल के, और जब दोनों की आंखें मिली तो पद्मावत क्या करती है, उसकी तरफ फूल बगा के मार जाती है। और फूल बगाने के बाद जब वो रणबीर अपने यार चंद्र दत्त से कई रोज के बाद मिलता है, न बोला रेडा की कड़े चला गया था, न बोला भाई चला क्या गया था, स्वर्ग में तो उल्टा आया, कड़े देखा भाई स्वर्ग, अरे आप तो स्वर्ग में चला गया, मैं अरे नरक में छोड़ गया, मैंने अरे शेर ने और खा लिया होता। बोले अच्छा के हाँ, न बोला तो भाई मेरे साथ तो बड़े आनंद हुए बाग के अंदर, पर एक बात मेरा समझ में नहीं आई, क्या कि भाई वो सखी सहेली जो थी उनकी सरदार सखी जो थी उसने कुछ ऐसे कारण किए, ऐसे लक्षण किए कि वो बात मेरे समझ में नहीं आई, और अपने यार चंद्र दत्त से भेद पूछता है और एक बात के द्वारा क्या क्या कहता है, नौकला गला सुन ले बाग में क्या क्यों होया, और मेरे समझ में कुछ नहीं आई, कैसा बताएगा। उठा फिर छाती का लगाया, उठा फिर छाती का लगाया, नहीं सकता अर्थ बता दे यार, ना मेरी समझ में आया, नहीं सकता अर्थ बता दे यार, ना मेरी समझ में आया, जब फूल मगाया ना कन लगाया, जब
रबड़ में एक दूजे ने झोला में थी मारा सासू जी तार नाथ तोड़ एक दूजे का बगला में थी मेरी रचाली मेरा करी रखी सी बे महता नवा करी बैठ के डाली प्रेम जगाई लखा जी र प्रेम नगर काशी रही सब लखाया रही सका फिर झूल गाल के वो झूली हसी मसकरी करी नबला फिर नबला फिर तो चाला हो गया मैं बड़े की ओट में देखता रहा और उनने क्या करा फिर क्या बताया चंदर दत्त ना झूठ फिर करी रहन की तैयारी कपड़े रटे दिए कंठा कपड़े की सारी गोहरी के दर्शन बन पे अंजल तक भी कोहना हवावे उस गोहरी के दर्शन अंजल तक भी कोहना हवावे लगा बर मन में वो चाकी काल मेरी तते न डटी लगा में मन में वो चाकी काल मेरी तते न डटी रात मेरी कटे न काटी रात मेरी कटे न काटी रपटी जब वो मेरे पहनारी र मेरी चुनकी काया इसका अर्थ बता दे यार मेरी समझ में तेरे गुण में याद करे तेरे पुण्य रे गावे कमन तेरे गुण में याद करे तेरे पुण्य मन में बहम लागी यार तेरी नई नई धुन में हर मन में बहम जाला वो कर सुंदर राला रब दिया
पड़ियाला रचाया करती दुर्गे माँ जिसने यो ज्ञान सखाया इस पर तर्क बता दे यार ना मेरी समझ में आया इस जमाने में इस महाभारे कितने दरदारे कितने दिल लूटे जाने दोनों होकर क्या करते हैं जाने दोनों होकर क्या करते और एक रागनी कैसे अब के एक गांव के गोरे बागड़ी नवारा अगर रुक जाते हैं तो एक छोरा चमटा लेने खातिर उड़े गया और जाके देखा तो उड़े कितनी गजब की लवारी देखी के चमटा लेना भूल गया और बस उड़े तो उल्टाए बाज लिया और वापस आया सांसा भर रहा तो एक बैठक में पांच सात उसके यार दोस्त बैठे थे तो उन्हें कल ला के क्यों कर सासा भर रहा डाकी ने बोला के बताऊं चाला हो गया भाई वो जो बागड़ी है लवारा रहे हैं उड़ो चमटा लेन गया था और वो उड़ा तो त्यौहार देखा मैंने के देखा रे तो कैसे अपने यार दोस्तों से क्या कहता है कैसे क्या बताया बोला इन बागड़िया के डेरे में एक देखण जोगी र छोरी से मैले से कपड़ा में बागड़ो काचा काचा लगोरी से बागड़िया के डेरे में देखन सोचिया चोरी से भरपूर लोहारी बस कसर सते एक से के कसर रह रही है भाई अगले सुनने में बताता हूं कैसे क्या कहा अरे छैल गाबरू छैल गाबरू छोरा रे चाहिए उसका साता साचन प्यार फिर सर बटन ओ ही जवनी र पटन ओ ही जवनी व पटन व बहुत घनी रतंग होरी से मले से कपड़ा में पागड़ो कत कत लगोरी से
खान के से बेचारी के पर के करे पापी पेट ईसा लाग रहा से कि पापी पेट के गुजारे खातिर दिन रात लोहा पीते से बेचारी अरे हम छाड़े पड़ रहे उसके मार घने मार घन जब वो लोहे का सामान बनावे थी कोई देखा नहीं गया कैसे क्या कहा खेलन खामन के यो लेख नराला उस घर का नो हपी ते करे कुटारा काम चलाई से घर का चाहिए लोग बराबर का चाहिए लोग बराबर का कति परिया के सिर गोरी से मले से कपड़ा में पागरो आता गात लकोई से समाज जो बीच में रोड़ा नहीं अटकाओ ना तो मैं उसे शादी कर सकता हूँ लेकिन क्या करूँ जो समाज आडे आओगा जो काम बनन को ना दे कैसे क्या कहा आजाद सिंह भी आजाद सिंह होया देख बाबड़ा बिल्कुल उस कबा बैठा अच्छी बात बेचारा रखता यो के झगड़ा रखा बैठा आस प्यार की ओला बैठा आस प्यार की ला बैठा इसमें ना कोई चोरी से मले से कपड़ा में पागलो काटा काट लगोई से का पट्टा का भाई नोटंगी बहुत सुतरी से इब कई जने खड़े थे नुकन लागे रे जाके देख काओ कितनी सुतरी से एक जना ताई 11 रुपए दे दिए लेके 11 रुपए पहुंच गया जब नोटंगी का मुंह देखा चक्कर खा के पड़ गया और जब हो संभाला और नुकन लाग्या ए रे बहू सुतरी से शंग की पती तारा से कोई देखण ने हाँ कोई देखण ने ना जइयो जान का तारा से बहु सुतरी से Ah!
सा हो गया और पागल सा हो गया। रानी चंद्र प्रभा ने देखा कि तेरा पति तो दूसरी औरत के चक्कर में आ गया तो अपने पति को समझाने लगी। बोलियो पति देव दूसरी औरत के चक्कर में पड़ना अच्छी बात नहीं। क्या क्या समझाती है, क्या कहती है? घर के मोड़े घर के मोड़े बस के तू जिंदगी खो ना पता ना कौन करे की चंद करण की तटो जी।
ब्याह करवा जो फूल की साई ला जो हाजिर है
की के जिस वक्त वो अमली रानी बठियारी के पास नौकर रहा करती और जब सौदागर ने देखा आन के तो अमली रानी पर मोहित हो गया और नौकर लग गया कि बठियारी इसने मेरे साथ भेज दे। बठियारी इनकार करती रही लेकिन सौदागर ने लोभ दे दिया और बठियारी ने रोटियां के बांधे थे वो रानी अमली सौदागर के जहाज में भेज दी और सौदागर जहाज को लेकर चला गया। और उधर से कौन के राजा हम पत्ते लेके जब सराय के अंदर आते हैं तो बठियारी ने कहने लग गया कि बठियारी मेरी रानी कहाँ है, अमली कहाँ है। बठियारी टालती रही, बातें बनाती रही लेकिन जो उसके बच्चे थे सरवर नीर उन्होंने बताया कि पिताजी इस बठियारी ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। क्या? कि हमारी माँ थी जो अमली वो सौदागर के साथ धोखे से जहाज में भेज दी। इतनी बात करते और एकदम आंखों में पानी आ गया। राजा हम करने को लगे अरे बठियारी पापण, अरे दुख में तेरी शरण ली थी आनकर तने मेरे साथ बड़ा भारी जुलम कराया। और एक बात के द्वारा वो राजा हम क्या कहता बठियारी से क्या बताया। नो बोला रे दुखिया रे की तेरी रसराम है, कौन गवाही देगा मत मन जाने नहीं थी पाछ बात संभाली वत सो हुरा हम देखण जो की दणु ठप्पे मढ़ाई बूढ़ा रे बूढ़ा गात हुरे का बटवे से मुहारी बेरा ना वो राम मन रे बेरा ना कदई सिर लगाई देगा कौन गवाही समय कौन के वह पद्मावत उसकी सखियां कहने लगी पद्मावत के हाँ इस सवेरे के 4 बज चुके हैं, चलो तालाब पर स्नान करने चलेंगी और पानी लेने के लिए चलेंगी। वो सारी सहेली इकट्ठी होकर और तालाब की तरफ चलने लगी। हार श्रृंगार किया कैसे
सिर चोटी कर लगा बोरला ताजोर डांडे बाड़ी मस्तक बिंदी जुल्फना किसी अदा बना लिखाड़ी गणे के मलक पत वही जो कि मेवा के सिडारी एक गोरा मुखोरी आंख कटीली आख्या उर नराली तम घूर चलन दो पूरा आई घूर चलन दो पूरा ये फड़ोंगी दवाई मेरे पे लगने लगा लो हरी प्राण चलेंगे दो गर्दर शरीफ पे ओ लगने लगा लो सह मह मन तू पापन पहल हम चोट मिली थी फिर मिली मिलाई पाड़ी गई मारी मुश्किल जोट मिली थी मन उसकी रुसन है मेरी बाहरी ओट मिली थी बेराना वो चांद दोज का बेराना वो चांद दोज का कद फेर दिखाई देगा पूनम साचा मुगनी में जैसे झाल लागती ताल के तन में झाल लागती और सीढ़ा करे जगरी पे गालूंगा
सो सो मन की रजाल उठते किस तरिया टूंगा वर तो पावर खोला कित देखू भाड़ूंगा। अरे छोटे छोटे दो बालक से किस तरिया पालूंगा मेरे बड़का ने रोटी पोके मेरे बड़का ने रोटी पोके केरा केरा रे जमाई देगा नानकी खंजरी नरम सूत की साड़ी रेशमी कुर्ती रेबड़िया तक की बाकी भगा उघाड़ी अरे सरबती चूड़ी नरम कलाई समय टेम सर नाई अरे सखिया की चलरी फलवारी सखिया की चलरी फलवारी उसे इंदौर के नगर पे राजा हमने क्या कह दिया क्या बताया हेरा लक्ष्मी ने हेरा लक्ष्मी चंदन पत्थर चाल सारा भेद बताया हत्याहरों छोड़ा भरा रखा जाना तन बेईमान रखाया हेर करते गे कर रखे तन मैं क्यों गरीब सताया ओ डपवारा आंगा हकर के मेरी गे लाया मांगे राम सोच के चलिए श्री लक्ष्मी चंद्र
भले बोरा था सब सदार दीते जब पास तकत थे उड़े दरबार के दर पे पेट भरो हारा ठीक गुजारा हो से अरे के बेरा तन रे भान ने भाई कितना के प्यारा हो से मांग मांग के पेट भरो साथी जने बेजी जा जब हे हो मुकलावा ब्यास नु बोली रे हे कम बोले और हे शर्मावे क्योंकि हे सुख सम भोजन खास है एरे फेर सतावे हे प्याद पियर की हे लगे कुटुंब की दास नु बोली रे हे सुखे दान हरे हो जा जब हे भाई लेवन जास है सास ससुर के है मान बढ़ाई को ना उड़ अगड़ पड़ोसन इकट्ठी हो जा पर तड़े लुगाई को ना नु बोली रे ये दान दिया ते है के हो गया इस बहु के भाई को ना दान दिया ते के हो गया इस बहु के भाई को ना ओ तो पन्ना बोल चीर दिगातने ईसा के दुधारा ओ से के बेरा तन बाण न भाई कितना के प्यारा हो से ओ माय माय से पेट भरो हर ठीक दुधारा ओ रे के बेरा तन बाण न भाई कितना के प्यारा हो से आ 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
ये रे भाई जरूरी है और चीज ना चावन बोलीवा है सो सो बेरे हे करया करे जब बेटा बेटी न ब्यावे मेरे बाट देखा के हिम्मत ना आइए न्यू नारी बट बतलावे है जब लगे बाती ही ना आवे ना है राखुण दे न पावे जब लगे बाती ना आवे ना राखुण दे न पावे उड़े बाता में के बात लेकर जा उड़े बाता में के बात लेकर जा जुड़े भाई चारो से ये मेरा धनवान न भाई कितना के प्यारा सजनों जिस बहन के भाई हो जे नौकरी लाग जा और उसको आए दो चार महीने हो जाते हैं तो बहन घर घर में जाया करे अरनू कहा करे दूसरी छोरी आते हैं आए बेबे तेरा भाई भी कितने आया ये तेरे भाई की कोई चिट्ठी आई हो नुबली के बेबे आई थी और उस बहन की भाई की कोई चिट्ठी नहीं आओ तो उसकी आख्या में आंसू आके उसके दिल पे के भी त्याग रहे हैं भाई भाई बनाना है सरे जगत में है और चीज बन सर जानू बोली वाह है घर घर कटी ही फिरया करे जब भाई परदेश डगर जा अरे थोड़े दिन में चिट्ठी आवे वो पढ़ के पेटा भर जानू बोली रे वाह हैरान कवाया करे जी कमा का जाया मर जाए वाह हैरान कवाया करे जी कमा का जाया मर जाए श्री देवी दत्त कहे प्यार बहन का श्री देवी दत्त कहे प्यार बहन का एक सच्चा द्वारा हो से के बेरा धनवान न भाई कितना के प्यारा हो